दोस्तों आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2021 के 38वें मुकाबले में कल चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी बॉल पर 2 विकेट से मात दी। चेन्नई के लिए 7वीं बार आईपीएल में ये मौका था कि आखिरी बॉल पर उन्होंने मैच जीता हो। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 6 बार इस तरह की जीत दर्ज की है। वहीं अगर हार वाली टीम केकेआर की बात करें तो उसके नाम भी शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। केकेआर ने 6ठी बार आखिरी बॉल पर टारगेट डिफेंड करते हुए मैच गंवाया है। इस मामले में भी वे मुंबई इंडियंस से आगे निकल गए हैं। मुंबई इंडियंस ने ऐसे आखिरी गेंद पर 5 बार मुकाबला गंवाया है। दोस्तों इसके अलावा ये तीसरा ऐसा मौका था जब धोनी के धुरंधरों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर शाहरुख खान की टीम केकेआर को मात दे दी। ऐसे 3 मौके जब लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके ने आखिरी गेंद पर केकेआर को हराया, आपको मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। 5 विकेट से कोलकाता को 2012 में हराया था, 6 विकेट से दुबई में 2020 में और 2 विकेट से अबू धाबी में 2021 में यानी कि कल हराया। आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग का ये 10वां मुकाबला था। एमएस धोनी की टीम ने कल 8वीं जीत दर्ज की और 16 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता की 10 मैचों में 6ठी हार थी और टीम पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर खिसक कर पहुंच गई। दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं पूरी बातें। आपको मैं बता दूं कि अगर कल के मैच की बात करें तो सांसें रोक देने वाला मैच हुआ। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया और जीत की हैट्रिक लगाई। पहले खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 172 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों ऐसी ही खबरें आप आईपीएल की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपको आज का कैसा लगा और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।